यार 5 मिनट और। क्या 5 मिनट? बस आने वाली है। कितना आज्ञाकारी बच्चा है, सुबह उठ के दूसरे बच्चे को उठा रहा है। अरे यार छुट्टी मार ले आज। यार कल भी तो छुट्टी मारी थी। एक दिन छुट्टी मार लेगी कौन सा तुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतार देंगे। मम्मा यार क्या ये मम्मा थी? मम्मा कह रहे बच्चे को स्कूल मत जा। मूवी देख रही थी सारी रात। अरे कुछ नहीं होता, सो जा। मैं नहीं उठ रही। मम्मा यार वो कैसे ना इस जमाने के बच्चे अगर माँ बाप बनेंगे तो होगा तो ऐसे ही ना। और देखो क्या क्या होता है। जब मैं और मेरी जनरेशन के बच्चे माँ बाप बनेंगे तो क्या होगा? ओ, सेक्सी। बहुत ही अजीब माँ है। जा फिर बाहर से मंगवा ले। मम्मा क्या बाहर से? रोज बाहर का खा रहे हैं। पता है अगर हम रोज बाहर का खाएंगे ना तो हमारे पैसे वेस्ट होने लग जाएंगे। पहले 7 दिन हो गए बाहर का खाते हुए। मम्मी के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती। तुझे मम्मी पे तरस नहीं आता? तुझे पता है मैंने कितना काम करना है? अभी मुझे 4 वीडियोस बनानी है, उसे एडिट करके अपलोड भी करना है। तुझे खाने की पड़ी है? मैंने यहाँ पे खाना छोड़ रखा है। मैंने तेरे लिए इतने बलिदान दिए हैं, अपनी पुरानी ड्रेसेस को काट के तेरे लिए नई ड्रेसेस बनाई है, अपने लिए नई ड्रेसेस ली है, फिर इतना बड़ा बलिदान कोई माँ देती है? चलो तू एक दिन खाना नहीं छोड़ सकती मेरे लिए। इस जमाने की माँ होगी ना तो ऐसी होगी। जाओ निकल निकल। सेल्फी तो अपलोड कर दे। मम्मा मेरा ना रिजल्ट आ गया स्कूल का। अच्छा बता कितने नंबर आए हैं? 45। कितने में से? 100 में से। सॉरी मम्मा आगे से ये मार्क्स नहीं आएंगे। मैं ना डबल मेहनत करूंगी, आपको शिकायत के एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं बहुत पढ़ूंगी। मम्मा रो तो ना। चुप हो जाओ। अरे पागल ये तो खुशी के आंसू हैं। तेरे इतने अच्छे नंबर और एक भी सब्जेक्ट में फेल ही नहीं हुई तू। वाह जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो मैंने एक ही क्लास 2-2 साल तक की है। 12वीं के पेपर मैंने चूड़ा डाल के किए हैं, पर तूने तो पहली बार में ही क्लियर कर दिया सारा। मुझे तेरे पे बहुत गर्व हो रहा है बेटा। आज तुझे मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी। मैंने इसको थप्पड़ मारा। क्या चिकू तू सारा दिन रोती रहती है? सारा
दिन भुकती रहती है, डरपोक लड़की, जा मारे थप्पड़ खींच के इसे भी। मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। ओ बेटा गलती गुलती बाद में देखेंगे, गलती किसकी वो देखा जाएगा, पहले बदला पूरा करते होते हैं। जा थप्पड़ मार से खींच के एक और। रुको रुको बेटा, मैं भी नीचे आती हूँ, मैं भी तीन चार थप्पड़ लगाऊंगी। दूसरे की लड़की को पीटने में बड़ा मजा आता है भाई, और मैंने बचपन में बड़ा पीटा है। अभी नीचे आ रही हूँ ठीक है, मैं ना वीडियो बनाऊंगी फिर इंस्टाग्राम पर डालूंगी, वायरल हो जाएगी लड़ाई की वीडियो। आ रही हूँ आ रही हूँ। मम्मी आ गए, भाग ले भाग ले। अरे रे तेरी गई भैंस अब पा। मम्मी मना कर देंगे जाने के लिए। प्लीज मना लेना अपने घर वालों को। मैं नहीं पूछती मम्मा से। यार साल से प्लान बना रहे हैं। नहीं यार अलाउ नहीं करेंगे मम्मा। पता नहीं फिर कब जाए आ जाए, मना लेना। मम्मी मेरी ना फ्रेंड का फोन है, शिमला जाने का प्लान बन रहा है। देखो गुस्से मत होना, मैं कौन सा जा रही हूँ, मेरा तो खुद मन नहीं है जाने का। आपको फोन देती हूँ, आप भी ना मना कर देना। रुको अनम्यूट कर दूँ। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते आंटी। हाँ बेटा, कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? आंटी शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा शिमला जाना है? आंटी सिर्फ हम लड़कियां ही हैं, लड़कियों का ही प्लान बना है। गोवा जाओ ना। गोवा जाने का प्लान बनाओ, कहाँ तुम शिमला की तरफ भड़क रहे हो। है भड़क रहे हो शिमला में क्या है ऐसा, तुम गोवा जाओ, गोवा वाले बीच पे। मेरे पास तो इतनी छोटी छोटी ड्रेसेस पड़ी है ना, सिर्फ वीडियोस में डालती हूँ, बाहर पहनने का मौका ही नहीं मिलता। इसी बहाने में तुम्हारे साथ चलूंगी, वो छोटी छोटी ड्रेसेस पहन लूंगी। और एक काम करना, तुम तीन चार लोग ही क्यों जा रहे हो, अपने पांच छह फ्रेंड्स और ले जाओ साथ। हाँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? दो दो बॉयफ्रेंड है। अरे वाह फिर तो मजा आ गया। और ना तुम सबको ना वोडका वोडका पिलाऊंगी, मुझे जानती है एक दुकान पे, वहाँ पे शादी से पहले जाती थी मैं। एक काम करना वोडका भी लेके आ जाऊंगी। और ना मेरे पास तो एक ऐसी क्लब है ना वहाँ पे, जहाँ पे ना दारू सब पे डिस्काउंट चलता है, तो सब कुछ पियेंगे हम वहाँ पे ठीक है, मजे करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ हाँ फ्लाइट तो मैं परसों का टिकट बुक करवा लेती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा ये तो आएगी आएगी, इसका खानदान भी आएगा अगर ये ना आई तो। हाँ हाँ बेटा, हाँ बन गया गोवा का प्लान। ओके बेटा चलो बन गया गोवा का प्लान। क्या नहीं नहीं तेरा बॉयफ्रेंड है वैसे, बता ना तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं मम्मा। आए हाय बिल्कुल नल्ली है तू, इतनी भोली। बॉयफ्रेंड ही तो है, तेरी उम्र में ना मेरे पांच छह बॉयफ्रेंड थे, तू तो आठ दस रख बॉयफ्रेंड। फिर ना बढ़ते बढ़ते जब तेरी उम्र होगी ना, तो तेरे तो तीन चार बॉयफ्रेंड रह जाएंगे, तीन चार में से भी दो परमानेंट होंगे। दो परमानेंट तो पक्का रखना ही अपने बॉयफ्रेंड। मान ले पहले ने शादी के लिए मना कर दिया तो दूसरे से शादी कर लेना, दूसरे ने मना करे तो पहले से शादी कर लेना, बैकअप प्लान होना चाहिए ना। आजकल की दुनिया का भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, मेरे पापा के पास जाती हूँ, विस्की की बोतल वगैरह पैक कर लेती हूँ, वहां पर टल्ली होंगी पूरी। मजा आएगा गोवा। चल बेटा। ऐसे पेरेंट्स तो सपने में ही इमेजिन कर सकते हो, पर सच्ची बताऊं आने वाले टाइम तक किसी को नहीं पता। माँ बाप हो तो ऐसे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।